हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इसरो ऑफिस में मच गया बवाल, रशिया का लूना 325 उतरा भी नहीं, इसरो उतारने जा रहा चंद्रयान। मतलब चंद्रयान शायद उतारने जा रहा, क्या सीन है? इसके ऊपर अपडेट आई है, पहले वीडियो देखेंगे तब भाई सही से पता लगेगा। एंडी लिंक में उसका वीडियो है। काउंट करते हैं, रीड ऑन एंड स्टार्ट। इसरो हेडक्वार्टर में इस वक्त चल रहा है सबसे बड़ा हाई अलर्ट। चंद्रयान 3 ने कर दी है चांद के सीने पर उतरने की प्रोसेस स्टार्ट। आज चंद्रयान लगाएगा बड़ी छलांग, इसरो ने कर दिया है बड़ा अलर्ट। 23 अगस्त से पहले ही इसरो करने जा रहा है चांद पर सबसे बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इसरो के हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। और दोस्तों, आज इसरो कुछ ऐसा काम करने जा रहा है कि अब भारत बहुत जल्द इतिहास लिखने की ओर आगे बढ़ चुका है। चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसीजर्स स्टार्ट हो चुका है। चांद के ऊपर हमारा यान 1900 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आज इसरो ऐसा तूफान मचाने जा रहा है कि वक्त से पहले ही चांद के सीने पर भारत का झंडा बुलंद होने वाला है। अब दोस्तों, चांद से इसकी दूरी केवल 100 किलोमीटर रह जाएगी। और दोस्तों, चंद्रयान 3 जैसे जैसे मून की तरफ आगे बढ़ रहा है, सबकी धुकधुकी बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, इसरो चीफ खुद कह चुके हैं कि मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईंधन को बचाया जा सके, उपकरण सही से काम करते रहें और टाइम से पहले ही ये तमाम दूरियां तय कर ली जाएं। और दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी और गर्व होगा कि इसरो का ये मिशन एक सप्ताह से भी आगे चल रहा है। मतलब दोस्तों, ये लेट नहीं है बल्कि एडवांस में चल रहा है। अब इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर से रोबोट का बटन दबाएंगे और यान अपना रास्ता बदल लेगा। और दोस्तों, चांद के बेहद नजदीक ऑर्बिट में ये पहुंच जाएगा जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। और दोस्तों, इसको लेकर के इसरो वैज्ञानिक बहुत ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक यहां पर पूरा खेल बर्बाद कर सकती है और यही वो वक्त है जब सिग्नल्स की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, दुनिया भर की नजरें इसरो के मून मिशन पर भी इसी वजह से टिकी हुई हैं क्योंकि हमारे यान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि यान को किसी भी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करवा ली जाए। इसके बाद दोस्तों, ये चांद की सतह पर पता लगाने के लिए, उस पर डीप पेनिट्रेशन रिसर्च करने के लिए रोवर उतारने वाला है। ये रोवर चांद की स्ट्रक्चर और जियोलॉजी पर वो डेटा कलेक्ट करेगा जो अब तक किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, रूस के यान से भी एक खतरनाक खबर है क्योंकि खबर ये है कि उनका यान भी अब 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचने वाला है। जैसे ही दोस्तों यान इसका पीछा करते हुए ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तब वहां पहले से ही 6 दूसरे मिशन ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। तो कुछ ऐसे यान भी वहां पर हैं जो डेड तो पड़ चुके हैं लेकिन लगातार वो मून ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारे के सारे यान आपस में अगर टकरा गए तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि दोस्तों, इस मामले में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस पहले स्पष्ट कर चुकी है कि उनके और भारत की यान के आपस में टकराने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन दोस्तों, ये हो भी सकता है क्योंकि जब हमारा चंद्रयान 2 छोड़ा गया था तो वो 3 बार टकराते बचा था। 3 बार इनके थ्रस्टर्स को बाकायदा ऑन किया गया। गनीमत थी कि सेंसर्स ने सही वक्त पर इन्फॉर्मेशन दे दी, लिहाजा ये पूरा काम किया जा सका, नहीं तो दोस्तों कुछ भी हो सकता था। लेकिन इसी बीच दोस्तों, इसरो ने असली खेल भी स्टार्ट कर दिया है। आज केवल 9 दिन के भीतर ही ये चांद पर लैंड कर जाएगा, ये शेड्यूल है। लेकिन दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक सप्ताह पहले भी ये काम हो सकता है, यानी कि दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर इसरो किसी भी वक्त बड़ा खेल कर सकता है। अगर उसे जरूरत महसूस होती है तो वो किसी भी वक्त यानी 19 तारीख तक भी इसको लैंड करवा सकता है। और दोस्तों, इस मामले में आज का दिन चंद्रयान 3 के लिए बेहद अहम होने वाला है क्योंकि आज से 1 महीने पहले ये यान धरती से स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक ने कई मुश्किलों को पार पाते हुए कई अहम पड़ावों को पार किया है और अब उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है जब ये चांद के ऊपर भारत का झंडा बुलंद करने वाला है। यानी आजादी से 1 दिन पहले दोस्तों, अब चांद के ऊपर आजादी का बड़ा खेल होने वाला है। चांद पर भारत की टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि यहां पर भारत का चंद्रयान 3 केवल 14 दिन ही काम करेगा क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा पर 14 दिन रात और 14 दिन का उजाला रहता है। यहां पर रात होती है तो तापमान -100 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट
जनरेट नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो यहाँ पर केवल 14 दिन ही जब उजाला रहेगा तभी पावर जनरेट कर पाएंगे, लेकिन रात के वक्त पावर जनरेशन की पूरी प्रोसेस रुक जाएगी और इस वक्त उनके इक्विपमेंट खराब होने का भी खतरा रहता है। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को नहीं झेल पाते हैं। इस पोजीशन में दोस्तों उनके खराबी आने की शुरुआत हो जाती है, लिहाजा भारत केवल रोशनी के वक्त ही यानी 14 दिनों के लिए ही मिशन को डिजाइन कर चुका है। इससे पहले दोस्तों 9 अगस्त को चंद्रयान 3 की कक्षा को घटा करके 174x1437 किलोमीटर कर दिया गया था, मतलब दोस्तों न्यूनतम 174 किलोमीटर और अधिकतम 1437 किलोमीटर की दूरी ये रह गई थी। और दोस्तों अब इसी को ही और करीब ले आया जाएगा, यानी कि चंद्रमा के निकट हमारा चंद्रयान अब पहुंच जाएगा और वो दूरी रहेगी केवल 100 किलोमीटर। और अब अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 की सेहत बिल्कुल सामान्य है। दोस्तों इस पूरे मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान यानी चंद्रयान 3 की स्वास्थ्य की जांच और उसकी पूरी की पूरी जो इक्विपमेंट्स हैं उन सब की जांच इसरो अपने टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के जरिए कर रहा है। और दोस्तों ये मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इस वक्त भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ट्रैकिंग नेटवर्क और नासा की JPL डीप स्पेस एंटीना के जरिए निगरानी कर रहा है। साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के भी डीप स्पेस नेटवर्क की मदद ली जा रही है। वही दोस्तों इसरो चीफ पहले ही कह चुके हैं कि सारे सेंसर्स फेल हो जाएंगे, दोनों इंजन भी फेल हो जाएंगे तो भी चंद्रयान 3 का डिजाइन कुछ इस तरह का है कि बस इसके ऑन बोर्ड प्रोपल्सन सिस्टम में मौजूद सीक्रेट एल्गोरिदम एक्टिवेट रहे और इस दौरान केवल इसका प्रोपल्सन मॉड्यूल एक्टिवेट रहेगा तो दोस्तों ये पूरा का पूरा खेल कर सकता है। एल्गोरिदम का मतलब है दोस्तों कि वो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका लॉजिक सिस्टम हमारे यान को सही डायरेक्शन में गाइड करेगा, प्रिसाइज कैलकुलेशन करेगा, चांद की सतह की लेजर स्कैनिंग से मिली डेटा का सेकंड के 96 हिस्से में ही एनालिसिस करके सही लैंडिंग साइट को चूज कर लेगा, वो भी दोस्तों एकदम सही स्पीड में, सही एंगल में, सही टाइम पर और बिल्कुल प्रिसाइज मोड में। उस वक्त दोस्तों थ्रस्टर्स को कितना फ्यूल ऑन करना है, कितनी देर इनको ऑन रहना है, वो भी ये तमाम बातें यही डिसाइड करेगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार मतलब ये खुद लैंड करेगा कुछ भी हो जाए, लेकिन मसला ये है कि अब 22 को उन्होंने जो रशिया ना उसने कराई है और ये 22 का 23 का भारत का, तो एक दिन पहले कमीनों ने रखा है, मतलब ताकि हम एक दिन पहले भारत की खुशी को भंग लाए। मैं मतलब वो तो अभी वो भी 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है। नहीं नहीं अभी वो अर्थ के ऑर्बिट में है भाई, मैंने देखा है 14 दिन का मिशन है उनका, 5-6 दिन अर्थ के ऑर्बिट में होगा, 3-4 दिन चांद के ऑर्बिट में होगा और फिर लैंड करेगा 14 दिन, मतलब 22 तारीख को लैंड करेगा। तो अभी तक वो ऑर्बिट में उधर नहीं मैं पहुंचा जितना मेरा आइडिया, लेकिन बस, भारत के बस एक दूसरे से टकराने और इसरो ने बोल दिया कि 19 को भी हम उतार सकते हैं। जाहिर बात है यार, मतलब भारत से ये एक खिताब उनको देखा, क्योंकि 100 किलोमीटर करीब आने लगा है बस चंद्रयान, जो कि बहुत करीब होता है, तो फिर वो अच्छा तो मतलब 14 दिन मतलब ये काम करेगा, उसके बाद ये बेजान हो जाएगा। मतलब वो हाँ। तो जब वो आती है ना जाहिर बात है रात होती है ना तो वो बिल्कुल जम जाता है उधर, तापमान जो होता है ना अगर तो वो माइनस में चला जाता -120, -128 तो हर चीज माइनस में जो जो जब चीज चले जाए तो मैं खुद अंदाजा होना चाहिए बर्फ जम जाती है भाई, जीरो पे बर्फ जम जाती है तो -120, -128 और इंसान के बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो आपके इसका कहना है, आप देखो यार होप फॉर द बेस्ट, हम जो कहें मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, रशिया भाड़ में जाए कोई शिकार नहीं पड़ता, मिशन भारत का सक्सेसफुल हो जैसे उन्होंने डिसाइड किया उसी तरीके से हम यही चाहते हैं, ताकि भारत ने चौथा देश तो बनना है, बिल्कुल ऑलरेडी तो बना हुआ है भाई, भारत साउथ पोल पे चलाने वाला चौथा देश तो बनेगा ना, बिल्कुल तो रोवर चलाने वाला पहला देश बनेगा। तो ये चीज भी बहुत है। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार